इजाजत दे दी, गो अहेड। मुझे बेहद दुख है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है इस मुद्दे के ऊपर। वहां पर शाहीन बाग में रास्ता बंद है, उस बंद रास्ते की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, स्कूल के बच्चों को तकलीफ हो रही है, एम्बुलेंस के जाने में तकलीफ हो रही है, लोगों को जो आधा आधा घंटे 40 मिनट का रास्ता होता था उसमें ढाई ढाई तीन तीन घंटे लोगों के लग रहे हैं। मैं इस बारे में कई बार कह चुका हूं कि इस देश के अंदर संविधान के तहत हर व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन की वजह से आम जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये जो कई दिनों से तकलीफ हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर आता है, केंद्र सरकार, वो इसका समाधान क्यों नहीं कर रही है? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने की बजाय, अभी रविशंकर प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इतने में वहां शाहीनबाग हो आते। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं सुधरेगी, काम करने से सुधरेगी। हमसे सीखो काम कैसे करते हैं, काम करना हमको आता है, इनको केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और गंदी राजनीति करनी आती है। और आज लिख के ले लो, ये 8 तारीख तक रस्ते नहीं खुलने वाले, 9 को खुल जाएंगे। ये शाहीनबाग के रस्ते भारतीय जनता पार्टी खोलना ही नहीं चाहती। मैं आज आप सब लोगों के जरिए निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी को, पीयूष गोयल जी को, रविशंकर प्रसाद जी को, जितने इनके बड़े बड़े नेता हैं, सबको जाना चाहिए शाहीनबाग, जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके वो रास्ते खुलवाने चाहिए। जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये केवल और केवल हर चीज के ऊपर, देश के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर, लोगों की सुविधा के ऊपर, हर चीज पे गंदी राजनीति करते हैं। कह रहे केजरीवाल से हमको परमिशन चाहिए, आज परमिशन दे दी। बीजेपी वालों चलो करो, अभी 1 घंटे में खुलवा दो रास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया।